नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Xiaomi Redmi 10 Power वर्सेस Realme 9 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Redmi 10 Power में 6.67 इंच जबकि Realme 9 5G में 6.4 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि Redmi 10 Power से कम है। विड्थ की बात करें तो Redmi 10 Power में 3.01 इंच जबकि Realme 9 5G में 2.94 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि Redmi 10 Power से कम है। बात करें थिकनेस की तो Redmi 10 Power में 0.36 इंच जबकि Realme 9 5G में 0.33 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो Redmi 10 Power में 203 ग्राम जबकि Realme 9 5G में 188 ग्राम का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो Redmi 10 Power में 20:6:9 जबकि Realme 9 5G में 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Redmi 10 Power में 6.71 इंचेस जबकि Realme 9 5G में 6.5 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Redmi 10 Power में 720x1650 और Realme 9 5G में 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Redmi 10 Power में 82.58% जबकि Realme 9 5G में 83.92% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Redmi 10 Power में 268 पिक्सल प्रति इंच जबकि Realme 9 5G में 405 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Redmi 10 Power में 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और Realme 9 5G की बात करें तो इसमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Redmi 10 Power में Adreno 610 जबकि Realme 9 5G में Mali G57 MC2 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Redmi 10 Power में Qualcomm Snapdragon 680 और Realme 9 5G में MediaTek Dimensity 810 मिलता है। बात करें RAM की तो Redmi 10 Power में 8GB की RAM मिलती है जबकि Realme 9 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB 6GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Redmi 10 Power में 128GB की स्टोरेज मिलती है जबकि Realme 9 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64GB 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो Redmi 10 Power में अप टू 512GB जबकि Realme 9 5G में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी Redmi 10 Power में 6000 mAh जबकि Realme 9 5G में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 2 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Redmi 10 Power में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है,
जो कि 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 14,999 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें Realme 9 5G की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 14,999 रुपीस, 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 17,499 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो Xiaomi Redmi 10 Power में 7 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Realme 9 5G की तो उसमें 8 फायदे और 4 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में Redmi 10 Power आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में Realme 9 5G आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Oppo A16K है, दूसरा Vivo Y21T है, तीसरा Realme Narzo 50A Prime है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme C31 है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।